पहुंचे हुए हैं और सभी ने बारी बारी से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेकिन ये देखिए तस्वीरें अब और भी लोगों की सामने आई है, जो कि सदैव अटल पर पहुंचे हैं और जो कि आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि है। अटल को याद करते हुए आज समूचे देश की तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन दिल्ली स्थित उनके अवरुद्ध कंठ के स्मृति स्थल सदैव अटल की तस्वीरें बेहद खास। और देखिए क्योंकि राष्ट्र का ये अटल नमन है तो हर एक तस्वीर भी आप तक पहुंचाना जरूरी है। ये इसलिए जरूरी क्योंकि लोगों के जहन में आज भी वो यादें ताजा है जो अटल बिहारी वाजपेयी और उनके किए गए कार्यों के द्वारा दी गई। कि उनका कहीं हिंदी पर उनकी पकड़ इतनी शानदार, उनका पत्रकार के तौर पर एक बड़ी पहचान, कवि के तौर पर एक बड़ा रुतबा, ये तमाम सारी चीजें उनकी जीवनी जब आप पढ़ेंगे तो आपको नजर आएंगे। लेकिन अब जिस तरह के फैसले उन्होंने लिए, जिस समय युद्ध हो रहे थे उस समय उनके क्रांतिकारी फैसले, परमाणु युद्ध के समय उनकी भूमिका, ये सभी उनकी वो भूमिकाएं हैं जिन्हें आज पूरा देश याद कर रहा है। जीवन के शत शत आकर्षण अरमानों को दलना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुबह सबसे पहले देखा पोस्ट मीडिया के जरिए तस्वीरों में, और अभी दिल्ली से तस्वीरों के साथ। अटल जी हम सब का प्रेरणादायी थे, हम अभी इधर तक पहुंचे हैं वो अटल जी के कारण। अटल जी पूरे देश को प्रेरणा दिया, देशभक्ति अब पाठ सिखाया एंड कैसे सरकार का काम करना, कैसे सबको साथ लेके जाना, ऐसा एक पाठ हम सबको दिखाया। उसका रास्ते में हम जा रहे हैं, ये देश को आगे बढ़ाना, देश को रक्षा करना। उसका मन में कभी भी ऐसे सोचते थे भारत माँ का रक्षा करना? हम सब भारत माँ का सुपुत्र है, हमारा दायित्व है, ऐसे बोल रहे थे। उसका रास्ते में हम चल रहे हैं, आज उसका स्मृति दिवस है। हमको बहुत दुख होता है हमारे साथ वो बीच में नहीं है, फिर भी उसका प्रेरणा। तो देखिए अलग अलग लोगों को आप सुन रहे हैं क्योंकि सभी के जिंदगी में उनका कहीं ना कहीं योगदान रहा, जो लोग उनसे मिले हैं, जिन्होंने उनसे मुलाकात की, जो उन्हें जानते थे, लेकिन जो उन्हें नहीं जानते थे वो उन्हें सुनकर ही उनसे इतने प्रभावित हुए कि आज की युवा पीढ़ी भी उनसे उनकी बातें, उनके उनके वक्तव्यों को लेकर सीख लेती है। उनके कहे गए कार्यों के, उनके दिखाए गए दिशा मार्ग पर अगर चला जाए तो वाकई में आज की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और ज्यादा सुदृढ़ होगी और ज्यादा सुधरेगी। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई, तस्वीरें दूसरे फ्रेम में आप देख रहे हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंची, श्रद्धा सुमन अर्पित की और क्रमशः फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और सभी जो कैबिनेट मंत्री है वो वहां पर पहुंचे। लेकिन अलग अलग तस्वीरें, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करने के लिए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है आज और ये सिर्फ चंद लोगों का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का अटल नमन है। क्योंकि अटल जी को पसंद करने वाले लोग सिर्फ एक विचारधारा से नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं, बल्कि वो लोग भी, छोटे बच्चे भी जब उन्हें सुनते हैं आज के दौर में, उनके वक्तव्यों को, उनके दिए गए भाषणों को जब सुनते हैं सोशल मीडिया के जरिए या फिर उनकी लिखी गई कविताओं को पढ़ते हैं तो यकायक ही जो स्फूर्ति का संचार है वो पूरे शरीर में होने लगता है, क्योंकि बातें ही उतनी सजीव तरीके से उन्होंने लिखी है, कही है। अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि आज, पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है। सुबह सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करके लिखा था कि 140 करोड़ लोगों की ओर से, वो भी देश के उस महान राष्ट्रभक्त और प्रखर वक्तव्य देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन देते हैं। अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से, हमारे सभी एनडीए घटक दलों की ओर से और पूरे हमारे एनडीए परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। वो 140 करोड़ भारतीयों की श्रद्धा का केंद्र है और सदैव उनकी कविताएं, उनका साहित्य, उनकी राजनीतिक जीवन यात्रा हमें प्रेरित करती रहेगी। मैम, उन्हीं की जो पॉलिसी रही है करप्शन को हटाना है और जिस तरह के जो उनके मार्क्स हैं उन्हीं पर ही बीजेपी आज तक काम कर रही है। कल भी पीएम ने वहीं से करप्शन के बारे में बोला, लेकिन ऑपोजिशन ने क्वेश्चन किया कि इट्स ऑल जस्ट अ शो।
देखिए, श्रद्धेय अटल जी का जहां तक सवाल है तो उनकी लोकप्रियता दल से ऊपर उठकर थी। सभी राजनीतिक दलों के नेतागण अटल जी को मानते थे, उनकी बातों को गंभीरता से सुनते थे और उनके प्रशंसक थे, और इसीलिए उनके लिए कहा जाता है कि वो अजात शत्रु थे। निश्चित रूप से उन्होंने देश को जो राह दिखाई है उस पर हम सभी को आगे बढ़ने का काम भी करना चाहिए। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, सभी की तस्वीरें आपने देखी, श्रद्धांजलि दी और पूरा देश आज उन्हें शत शत नमन कर रहा है, जननायक अटल बिहारी वाजपेयी जी को। कवि के साथ एक बेहद संवेदनशील व्यक्तित्व उनका रहा, लेकिन कभी उनके व्यक्तित्व में संवेदनशीलता नजर आई तो कभी वो कठोर नजर आए, और कठोर भी उस भांति की जिस तरह से पहाड़ हो, क्योंकि जिस दौर में प्रधानमंत्री वो थे उस दौर में कई ऐसे पोखरण का आप जिक्र कर लीजिए या फिर कारगिल का युद्ध का जिक्र कर लीजिए, लेकिन उनके दिए कई फैसले इस तरह के थे कि फैसले एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ पहले से ज्यादा सीटें जिताकर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और जो दुनिया का एक विश्वास भारत में जगा है, जो एक उम्मीद उनको भारत से दिखती है, हम कि दुनिया की उम्मीदों पर भी खरा उतरेंगे। और भारत के 140 करोड़ परिवारजन, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन परिवारजनों पे मोदी जी जिस तरह से पहले गरीब कल्याणकारी योजना और विकास के कार्य किए हैं, भविष्य में भी जब तीसरी बार उनको अवसर मिलेगा 2024 में, तो फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए विकास विकास और विकास की लहर पूरे देश भर में करे। और बहुत लोग आए, आप देख रहे हैं, श्रद्धांजलि देने, संगीत में श्रद्धांजलि भी अभी दी गई, सभी आए और हमारे एनडीए के साथी भी बड़ी संख्या में आए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही बहुत विराट था। तो देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर की बात यही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरह की शख्सियत थे, पूरा देश आज उन्हें याद तो कर ही रहा है, लेकिन उनके व्यक्तित्व के बारे में इस चीज को अब नकारा भी नहीं जा सकता कि उन्होंने हर किसी को सिखाया है। संवेदनशीलता का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा था, कई मौकों पर वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नजर आए, कई मौकों पर उनके डिसीजन बहुत ठीक है। राष्ट्रीय राजनीति के शिखर पुरुष श्रद्धेय अटल जी जो अदम्य साहस का प्रतीक थे और एक प्रखर चेतना के पुंज थे, निश्चित ही आज भारतीय जनता पार्टी को जो राष्ट्र सेवा का अवसर मिला है, उस अवसर के पीछे और भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में स्वर्गीय अटल जी का अद्वितीय योगदान है, अभूतपूर्व योगदान है, न भुलाया जा सकने वाला योगदान है। उनकी ये चेतना कि हम देश के सामान्य मानवीय के जीवन को परिवर्तित करके ही देश को परिवर्तित कर सकते हैं, उसी चेतना पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रवाहित होते हुए आज काम कर रही है। हम सब लोगों ने आज आकर यहाँ अटल जी को अपने प्रिय नेता, जिनके साथ में मेरे जैसे देश के लाखों लाख कार्यकर्ता एक सहज जुड़ाव और संबंध अपनापन का महसूस करते थे, उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित कर। सर, वाजपेयी जी ने हमेशा से करप्शन के इशू को उठाया है, हमेशा से इस पर बात करी है, उसी को ही पीएम मोदी ने कल रेनकोट से भी बोला, लेकिन ऑपोजिशन अलग अलग तरह के स्टेटमेंट कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये स्थान नहीं है कि जहां मैं किसी राजनीतिक विषय पर टिप्पणी करूं, लेकिन निश्चित ही भारत की राजनीति के जो सबसे बड़े शत्रु, लोकतंत्र में जो सबसे बड़े शत्रु हैं, तुष्टिकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन तीनों को निश्चित रूप से देश की राजनीति से विदा होना ही चाहिए। तो देखिए, प्रतिक्रिया आपको सुना रहे हैं, हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी अक्षय भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, लेकिन जिस तरह का व्यक्तित्व उनका था, जननायक कहे जाते थे, उनके व्यक्तित्व में कभी तो बहुत सरलता, बहुत संवेदनशीलता नजर आती थी, तो कई फैसले ऐसे थे जो कि चट्टान की तरह अड़िग रहे। आज के दिन क्या और खास कार्यक्रम रखे गए हैं अक्षय, और क्या कहेंगे आज के दिन के लिए? देखिए, भारतीय राजनीति के अगर अजात शत्रु अटल जी को कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अक्रॉस द पार्टी लाइन अटल जी का सम्मान सभी लोग करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने
संबोधन में अटल जी को याद किया, गृहमंत्री अमित शाह ने याद किया, राजनाथ सिंह उनके साथ लंबे समय तक काम करते रहे। कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज जो कुछ है उसके पीछे अटल जी की मेहनत बहुत महत्वपूर्ण रही है। और जिस तरह से सरकार बनी पहले 13 दिन की, और 13 दिन की जब सरकार गिरी तो उन्होंने कहा था कि एक दिन के बैठा आएगा, आप देखेंगे कि हम जोर तोड़ की राजनीति नहीं करते लेकिन हमारी सरकार तो बनेगी। और फिर 98 में उन्होंने शपथ ली, 5 साल तक उन्होंने सरकार चलाई। और जो साइनिंग इंडिया की बात उस समय जब नारा दिया गया था, हालांकि सरकार रिपीट नहीं हो पाई, लेकिन जब आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, कह सकते हैं कि अटल जी को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो 21वीं सदी में भारत बढ़ रहा है उसमें अटल जी का योगदान रहा है। कह सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे और आज भारतीय जनता पार्टी जिस सर्वोच्च शिखर पर है और उसमें अटल जी का योगदान निश्चित रूप से अग्रणी रहा है। तीन मूर्ति जो खास करके लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल जी की जो रही है भारतीय राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। अटल जी ने जब पोखरण का विस्फोट करने का फैसला किया था, उस समय परीक्षण करने का फैसला किया था, पाकिस्तान सहित तमाम देशों ने उन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही, अमेरिका ने भी इसका विरोध किया, लेकिन जिस तरह से अटल जी का नाम, यकीन है नक्शा आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अटल जी एक ऐसी एक शख्सियत थे जिनके पास में पूरे राष्ट्र के निर्माण का विजन था, और आज देश वाकई में उन्हें नतमस्तक होकर याद कर रहा है। शुक्रिया अक्षय पूरी जानकारी के लिए।